हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 2colour डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, इस तरीके का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत लगता है बनने से। इस डिज़ाइन को आप लेडीज़ कार्डिगन के लिए, स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए, स्कार्फ के लिए, मफलर के लिए और शॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इस डिज़ाइन को बेबी स्वेटर के लिए, जैकेट के लिए, ब्लैंकेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इसे जेंट स्वेटर, कैप और जैकेट में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके इसमें बबल्स बनते हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही इजी डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। ये इसकी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड भी इसकी खूबसूरत होती है। देखिए, इस तरीके से दिखाई देती है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है और बहुत ही इजी बन जाता है। इस डिज़ाइन में आप 4 के मल्टीपल में फंदे लेंगे, प्लस में 3 फंदे और ऐड करने से डिज़ाइन सेट हो जाता है और 2 एक्स्ट्रा फंदे लिए जाते हैं। 12 रो का डिज़ाइन है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। फर्स्ट रो बिनेंगे, राइट साइड से बिनेंगे। आपको बॉर्डर बनाने के बाद कलर को चेंज करना है, यानी कि आप जो भी बॉर्डर बना रहे हैं उसके बाद आप सेकंड कलर की 2 बेसिक रो बनाने के बाद फर्स्ट रो बिनेंगे फिर से उसी कलर से जिससे आपने बॉर्डर को बनाया है। तो ये हम फर्स्ट रो बिन रहे हैं और फर्स्ट रो हम राइट साइड से सीधा बिनते हुए कम्प्लीट करेंगे। सिंपल सा बिनना है आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट रो पूरा सीधा बिनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, पूरे हमने जितने भी फंदे थे, हमारे सारे ही फंदे हमने सीधे बिन लिए हैं। अब हम रॉन्ग साइड की रो है बिनेंगे और रॉन्ग साइड की रो को हम पूरा ही उल्टा बिनकर कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये डिज़ाइन उल्टा और सीधा ही बिना जाता है। तो यहाँ पर रॉन्ग साइड पर आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है, पूरा डिज़ाइन आपको रॉन्ग साइड से उल्टा ही बिनना है। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हम रॉन्ग साइड का उल्टे फंदे बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। रॉन्ग साइड की रो हमने कंप्लीट कर ली, ये हमारी सेकंड रो थी। अब हम रो थर्ड पर आए हैं और वो हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। रो थर्ड राइट साइड की तरफ आएगी, पूरी ही रो को हमें फिर से सीधा बिन लेना है। थर्ड रो पर भी हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, सिर्फ सीधा बिनते हुए उसे कम्प्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आने वाली हूँ, तो देखिएगा ज़रूर। यहाँ पर हम थर्ड रो को, राइट साइड की रो को सीधा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो हमने देखिए कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर से रॉन्ग साइड की तरफ आ गए हैं और रॉन्ग साइड पर हमारी 4 रो आएगी और ये पूरी ही रो को हमको एक बार फिर उल्टा ही बिनकर कंप्लीट कर लेना है। तो बेसिक हमने 4 रो बिनी है और 4 रो हमने सीधा और उल्टा बिनकर ही कंप्लीट की है। राइट साइड से हमने सीधा बिन लिया है और रॉन्ग साइड से हमने उल्टा बिन लिया है। तो आपको जो बॉर्डर बनाएंगे, आप बॉर्डर बनाने के बाद आप कलर चेंज करेंगे, 2 बेसिक रो बिनेंगे सेकंड कलर से और फिर से आप जो बॉर्डर पे आपने कलर लगाया है उस कलर से आपको 4 रो सीधा और उल्टा बिनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। रो 4 हमने कंप्लीट कर लिया, देखिए। और रो 4 कंप्लीट होने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनकर आया, यानी कि सिंपल सा सीधी सीधी रो बनकर आई हैं। अब हमें इस पर बबल्स बनाने हैं। तो बबल्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सेकंड कलर को यूज़ करेंगे, यानी कि हम कलर चेंज करेंगे और पहले फंदे को तो हम यहाँ पर बिन लेंगे सीधा। अब देखिए, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू होगा, तो 3 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1, 2 और 3। तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 फंदे हो गए हैं। तो 4 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बिने। फिर देखिए, ये हमारा सेंटर रहेगा, यानी कि जो हमारा चौथा फंदा है इस फंदे को हम सिलाई से उतारेंगे और हमने जो 4 रो बिनी है इस पूरी 4 रो को के फंदे को हम खोल देंगे। देखिए, यहाँ पर हमने ये देखिए 3 बार खोला इस फंदे को और फिर ये हमारा चौथी बार हम इसे खोलेंगे, यानी कि हमें ये जो हमारा कलर जिससे हम बिन रहे हैं उस कलर के रो तक हमें बिनना है, खोल देना है फंदे को। देखिए, तो यहाँ पर हमने 4 फंदे खोल दिए, 1, 2, 3, 4। अब देखिए, ये वाला फंदा है, जो ये जो हमने बिनी थी रो, इसमें का जो फंदा है इसको हम सीधा बिन देंगे इस तरीके से। फिर हम 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे बिने। इसके बाद देखिए, फिर से हम जो चौथे फंदा है उसको हम खोल देंगे, यानी कि हम एक बार खोलेंगे 2, 3 और 4। 4 बार हम उस फंदे को खोलेंगे और जो हमारा सेकंड कलर का फंदा आएगा उस फंदे को हम सिलाई को पीछे की तरफ करते हुए सीधा बिन देंगे इस तरीके से। इसको आप बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं बिनेंगे,
जैसे नॉर्मल आप बिन रहे हैं उसी तरीके से बिनेंगे। फिर से हम तीन फंदे सीधे बिनेंगे, फिर चौथे फंदे को हम, ये देखिए हमारा सेंटर का फंदा आ जाएगा जब आप इसे बिनेंगे तो वो सेंटर का फंदा आ जाएगा। फिर आप चारों फंदों को खोल देंगे, तीन और चार, देखिए चार फंदे हमने बिने थे, चार सिलाइयाँ, चार सिलाइयों के चार फंदे हमने खोल दिए। जो हमारा लास्ट का फंदा है देखिए इस तरीके से हम सिलाई को पीछे की तरफ लेंगे, सीधा बिनेंगे और आगे की तरफ से निकाल देंगे। फिर हम तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, फिर फंदे को हम छोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से हम दो तीन और चार, चार बार फंदे को खोल देंगे। फिर पांचवे टाइम जो पांचवा फंदा है उसको हम सीधा बिन देंगे इस तरीके से। फिर तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने, चौथे फंदे को हम चार बार खोलेंगे, चार हमने सिलाइयाँ बिनी हैं सीधी उल्टी तो चार बार हम इसे खोलेंगे। फिर हम पांचवें फंदे को इस तरीके से सीधा बिन देंगे, देखिए फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिनने के बाद फिर से हम फंदे को चार बार खोलेंगे, वन टू, टू टाइम हमने खोला इसे। अब हम देखिए फिर से एक बार खोलेंगे इसे, थ्री और फोर, यहाँ पर हमने फोर स्टिच को खोल दिया है और ये हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ स्टिच है, यानी कि ये वाला हमारा पांचवा फंदा है। इस फंदे को देखिए हम सीधा ही बिनेंगे इस तरीके से, बहुत लूज नहीं बिनना है, इसका आपको ख्याल रखना है। लूज बिन देंगे तो यहाँ पे सीधा एक फंदा बन जाएगा, तो लूज नहीं बिनना है, नॉर्मल जैसे आप बिन रहे हैं उसी तरीके से बिनना है। फिर हम चौथे तीन फंदे बिनने के बाद चौथे फंदे को खोल देंगे, चार बार फोल्ड खोलेंगे, पांचवे फंदे से हम इसे सीधा बिन देंगे। फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो और तीन, तीन फंदे सीधा बिनेंगे। फिर चौथे फंदे को हम चार बार खोलेंगे और पांचवी बार जो हमारा फंदा आएगा उस फंदे को हम, ये वाला जो फंदा आएगा इसको हम सीधा ही बिन देंगे। लास्ट में हमारे देखिए चार फंदे बचेंगे, इन चारों ही फंदों को हमें सीधा बिन के रो को कम्प्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी रो फिफ्थ कंप्लीट हो गई है, राइट साइड की कंप्लीट हो गई। रो सिक्स पर आ गए हैं, पूरी ही रो को हमें उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेना है। डिज़ाइन हमारा सीधा उल्टा ही बिना जाएगा, राइट साइड से सीधा बिना जाएगा, रॉन्ग साइड से उल्टा बिना जाएगा। यहाँ पर हम पूरी ही रो को उल्टा बिन कर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिक्स रो कम्प्लीट हो गई है, देखिए हम इस तरीके से उल्टा बिन के उसे कम्प्लीट करेंगे। ये देखिए सारे ही फंदों को उल्टा बिन लेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमने देखिए सिक्स रो कंप्लीट कर ली है, अब हम रो सेवन पर हमको फिर से कलर को चेंज करना है और रो सेवन जो है वो हमारी रो फर्स्ट की तरह ही जाएगी और पूरी रो हमारी ये सीधी भी नहीं जाएगी। तो अब यहाँ से हमें रो सेवन सीधा बिनना है, रो एट उल्टा बिनना है, रो नाइन सीधा बिनना है और रो टेन उल्टा बिनना है। टोटल हमें फोर रो कंप्लीट करनी है, राइट साइड से हमें वो सीधा बिन लेना है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लेना है। जैसे हमने रो वन से फोर तक कंप्लीट किया है सीधा उल्टा बिनते हुए, उसी तरीके से हमें रो सेवन से टेन तक कंप्लीट करना है। तो कंप्लीट कर लेते हैं सीधा उल्टा बिनते हुए। यहाँ पर हमने फोर रो कंप्लीट कर लिए, रो सेवन से रो टेन तक हमने कंप्लीट किए, राइट साइड से सीधा बिन लिया है, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन लिया है। तो इस तरीके से ये आया है बनके। अब देखिए हम रो इलेवन बिनेंगे, रो इलेवन हमारी सेम रो फिफ्थ की तरह ही बिनी जाएगी, लेकिन हम यहाँ पर फंदों को चेंज करेंगे और थोड़ी सी फंदों में चेंजिंग लेते हुए इस रो को बिनेंगे। तो कलर को चेंज करेंगे, पहले दो फंदे हम सीधे ही बिनेंगे, देखिए एक और दो, दो फंदे सीधे बिनने के बाद ये वाला देखिए हमारा सेंटर में फंदा आ जाएगा। अब ये वाला, इस फंदे को हम खोलेंगे चार बार, यानी कि फोर टाइम हम इसे रिलीव कर देंगे, देखिए इस तरीके से खोल देंगे। फिर जो हमारा पांचवा फंदा होगा, देखिए वन टू थ्री फोर, फोर स्टिच हमने यहाँ पर खोल दिए हैं। फिर पांचवे फंदे को हम, ये देखिए पांचवा फंदा है, इस फंदे को हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से, सीधा बिनेंगे। फिर तीन फंदे देखिए हमारे सेंटर के आ जाएंगे, अब इन तीन फंदों को हम सीधा बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने। फिर हम चौथे फंदा, ये देखिए हमारा सेंटर का आ जाएगा, जब आप इसे थोड़ा बिनेंगे तो आपको सेंटर दिखने लगेगा, आराम से ही दिख जाएगा वो आपको, अलग से ही दिखने लगेगा।
तो चौथे फंदे को हम चार बार खोलेंगे, यानी कि जो चार सिलाइयाँ हमने सीधी उल्टी भी नहीं है उन्हें हमें खोल देना है, चार फंदे खोल देना है। जो पांचवा फंदा होगा ये वाला फंदा, इस फंदे को हमें सीधा ही बिनना है, लेकिन इस तरीके से, देखिए इस तरीके से बिन देना है, लूज नहीं बिनना है, नॉर्मल हाथों से ही बिनना है, जैसे आप बिन रहे हैं उसी तरीके से आपको बिनना है। फिर तीन फंदे आप सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने। फिर चौथे फंदा ये हमारा सेंटर का आ जाएगा, इस चौथे फंदे को हम खोल देंगे, यानी कि चार फंदे हम खोलेंगे, एक दो तीन और चार, फोर टाइम हमने इसे खोला है। फिर जो पांचवा फंदा है इसे हम सीधा बिनेंगे इस तरीके से। फिर तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने। चौथे फंदे को हम, इस सेंटर में आ जाएगा हमारा फंदा, इस फंदे को हम चार बार खोलेंगे, देखिए तीन और चार, पांचवा फंदा ये जो हमारा आ जाएगा, इस फंदे को हम सीधा बिनेंगे, जिस तरीके से हम सीधा बिनते हैं उसी तरीके से हमें सीधा बिन लेना है इस तरीके से। इसके बाद फिर से हम तीन फंदे सीधे बिनेंगे। तो ये रो जो हमारी रो फिफ्थ की तरह ही बिनी जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हमको जो फंदों की चेंजिंग करनी है, बाकी हमारा सेम फिफ्थ रो की तरह ही बिना जाएगा। चार फंदे खोलेंगे, जो पांचवा फंदा होगा इस फंदे को हम सलाई में लेंगे और सीधा बिन देंगे। फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। फिर चौथे फंदे को हम चार बार खोलेंगे, एक दो तीन और चार। यहाँ पर हमने जो चार सिलाइयाँ बिनी हैं उसी चार फंदों को हमें खोल लेना है इस तरीके से, और उसके बाद ये हमारा पांचवा फंदा होगा, इस फंदे को हमें सीधा बिन देना है। फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिने। चौथे फंदे को हम फिर से खोलेंगे, चार बार खोलेंगे, एक दो तीन और चार इस तरीके से। फिर जो पांचवा फंदा आएगा हमारा उसे हम सीधा बिन देंगे इस तरीके से। फिर तीन फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे बिनेंगे। चौथे फंदे को चार बार खोलेंगे, चार फंदे यानी कि हम उसके खोल देंगे। फिर जो पांचवा फंदा हमारा आएगा उस फंदे को हमें सभी फंदों को लेते हुए बिन देना है सीधा। फिर तीन फंदे हम सीधे बिनेंगे, एक दो तीन। फिर चौथे फंदे को देखिए, यहाँ पर हमारे तीन फंदे बचेंगे, चौथा फंदा जो हमारा होगा इसको हम चार बार खोलेंगे, एक दो तीन और चार बार खोला। पांचवे फंदे को हम सीधा ही बिनेंगे, जिस तरीके से सीधा बिना जाता है इस तरीके से बिनना है। लास्ट के दो फंदों को हमें सीधा बिनते हुए 11 रो को कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी 11 रो कंप्लीट हो गई है, रो 12 आ गई है, रो 6 की तरह बिनी जाएगी, पूरी ही रो उल्टा बिनकर कंप्लीट करनी है। तो बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये डिज़ाइन, कैप के ऊपर बहुत खूबसूरत लगती है। मैंने इसे स्वेटर और कैप के ऊपर और स्कार्फ, मफलर कई प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया है, बहुत ही खूबसूरत बनकर आती है। रॉन्ग साइड से उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए रो हमने 12 कंप्लीट कर ली है, यहाँ पर दो बार हम डिज़ाइन को बनाया है और इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनकर आई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है, बिगनर के लिए भी बहुत अच्छी है, और अगर आप बिनते हैं तो आपके लिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। रॉन्ग साइड से भी खूबसूरत लगती है देखने में, देखिए इस तरीके से। अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।